मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, अगर सही है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत। आज मैं आप लोग को NCERT और SCERT से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया हूँ, क्लास सिक्स से लेकर सिक्स टू एट तक के इम्पोर्टेंट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भी BPSC के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये स्पेशल उन्हीं के लिए वीडियो है। सभी लोग आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, दोस्तों ग्रुप व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं फटाफट। कुटपाद, देखिए कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, इगुलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न में आपका देखिए कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। सी इज राइट आंसर, बिल्कुल 41 में सी होगा, ठीक है। 42 है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए आपका भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बिल्कुल 42 में है ना, उपचयन, जिसका एक और नाम है आप लोग इसका भी लिख लीजिएगा ऑक्सीकरण भी कहते हैं। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन हटता है, इस बात को भी आप लोग ख्याल रखेंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्ण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल को एक और नाम है पर्णहरित भी कहते हैं, इस बात को लिखिएगा, नाम से अब आप आंसर पता चल जाएगा। इसका रंग पूछा है तो हरित का मतलब हरा, ठीक है, 43 में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि जिसमें रक्त बहने के लिए अलग से वेन या नस नहीं हो, किसमें होता है? मनुष्य, काकरोच, घोड़ा या ऊंट में? तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है आपका 44 के बी ऑप्शन इज राइट आंसर, काकरोच में पाया जाता है। इसमें देखिए एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, श्वास रंध्र, इसमें 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। मनुष्य जो है श्वसन जो है फेफड़ा से करता है, इस बात को भी ख्याल रखेंगे, और काकरोच जो है श्वसन जो है ट्राइकिया से करता है। इस सब का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ट्राइकिया से करता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, सोपोसिस पोषण के लिए आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल, सौर के प्रकाश, इनमें से सभी? तो देखिए सोपोसी पोषण जो होता है, सबसे पहले देख लीजिए हरे पेड़ पौधों में होता है, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सोपोसी करते हैं, और ये जो होता है आपको CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश, इनमें से सभी सही हो जाएगा। इन सब की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, ओके। चलिए 46 देखिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? YBA, अवायवीय, सी है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, चलिए इसका हम जवाब देते हैं, इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन। अवायु में क्या आता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं रहता है, इस बात को भी आप लोग नोट्स करेंगे। और वायु में ऑक्सीजन जो होता है O2 वो उपस्थित होता है ना, तो इस बात को आप लोग नोट्स करेंगे फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन 47 है कि दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन और उत्सर्जन? चलिए यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका किण्वन होगा। किण्वन प्रक्रिया जो है एक ईस्ट में होती है, इसको भी याद रखिएगा, ईस्ट की उपस्थिति में होता है। ईस्ट में जनन की जो क्रिया होती है उसको हम मुकुलन कहते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 48 देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है रात में, दिन में, सी है, ए और बी दोनों, और सुबह और शाम। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में सबसे जरूरी चीज़ है प्रकाश, और प्रकाश कब मिलता है, तो दिन में, तो इसलिए 48 में आपका बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 49 नंबर कि मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरोन है ना, माइट्रोकोंड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायलिसिस थैली जो होता है वो आपको उत्सर्जन की क्रिया करती है, और उत्सर्जन किस में होता है, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो 49 में आपका बिल्कुल ए सही है, और नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, इस बात को भी आप लोग नोट्स करेंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, सोपोसी, मृतजीवी, संभोजी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कवक जो होते हैं जिसको हम गोबर छता भी कहते हैं, ये मरे हुए जीवों को खाते हैं, इसलिए मृतजीवी पोषण। सोपोसी किस में होता है, पहले ही हमने इसको बताया है, हरे पेड़ पौधों में, ओके। यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को आप लोग नोट्स करते रहिए। चलिए 51 देखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, 2014 में पूछा है, हरे पौधे, नील हरी शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते।
तो यहाँ पे देखिए हरे पेड़ पौधे जो होते हैं शोपोषी होते हैं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नीलहली शैवाल भी शोपोषी होते हैं, खुद भोजन में फूल और पत्ते भी नहीं होगा, तो इसलिए आपका सी इज राइट आंसर है ना, उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? अभी मैंने शुरू में ही बताया उपचयन, और उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है, इस बात को नोट्स करिएगा। ठीक है, और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें उष्मा निकलता है भोजन के पचने में। ओके, चलिए 53 हरे पौधे क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो होते हैं स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए इसको उत्पादक की श्रेणी में रखता है। तो 53 में ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला देखिए 54 है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लोक में, श्वेत रक्त कण में। तो देखिए मैग्नीशियम कभी भी जो है ना क्लोरोफिल के साथ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। ओके, और इसका रंग कैसा होता है? हरा, याद रखें। और मैग्नीशियम जो सूत्र होता है वो Mg होता है। यह Mg क्या है? तो एक धातु है। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इस बात को आप लोग नोट्स कर लेंगे फटाफट। ठीक है, 54 में आपका इन सब प्रश्नों को पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 55। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन से बाहर निकलता है, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या डिक्टी ओजम से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है जल यानी जिसका सूत्र H2O होता है, इसी के माध्यम से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। ठीक है, 55 में ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 56 क्वेश्चन आपका कहता है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो अभी पहले एक बार मैंने पीछे देखिए उसको है ना एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें बताया था कि वृक जो है उत्सर्जन से संबंधित है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर देखिए कि कृत्रिम वृक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर के अपमोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए कृत्रिम जो वृक्क होता है जिसको डायलिसिस कहते हैं, इन सभी पदार्थों को क्या करता है? पृथक करता है, अलग करता है। सॉरी, यहाँ पे यहाँ सभी नहीं, मेन होता है नाइट्रोजन जिसका N2 कहते हैं। ठीक है ना, 58 देखिए पौधों में उस वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, या फूल में? तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पौधों में देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पत्ते में होती है, क्योंकि पत्ता ही जल का जल वहाँ पे पहुँचा रहता है, और जल ही निकलना ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, सभी लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट इस सेशन को लाइक करेंगे, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आपके लिए इतना मेहनत होता है, एक लाइक तो बनता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला 59 देखिए कि मानव हृदय में औसत पनकुंचन दाब लगभग होता है 120 mmHg, 150, 90 और है ना और है इनमें से कोई? तो देखिए प्रकुंचन दाब पूछा है यहाँ पे, प्रकुंचन दाब, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। एक होता है संकुंचन दाब, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी मैं बता देता हूँ, वो होता है 80 mmHg। ओके, पनकुंचन दाब दो होता है 120 होता है, और संकुंचन 80 mmHg। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 8, 1, 4। इंपॉर्टेंट प्रश्न का जवाब देखिए फटाफट, आप लोग लाजवाब हो जाइएगा। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, एक है ना, 2 नीले होता है और 2 अलिंद होता है ना, इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे, 2 नीले, 2 अलिंद, और 2 में आपको एक बायां दायां के नाम से जाना जाता है। ओके, बायां दायां, सब आप लोग स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। चलिए फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए हुए है ना, 61 देखिए आपका सवाल है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलोजूल, 305 और 3.5 किलोजूल, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन देखिए इसके अनुसार, इसमें यहाँ पे आपका 61 में बिल्कुल ये सही है, 30.5 किलोजूल प्रति मोल है ना ATP द्वारा टूटने पर होता है। अगला 62 है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, या प्रकाश? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, तो इसमें पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं, आप लोग सूखे हैं, और भोजन उनका क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो 62 में आपका सी इज राइट आंसर, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इसको भी आप लोग नोट्स करेंगे। ओके, चलिए आगे 63 देखते हैं। 63 कहता है निम्नांकित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, चलन। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन जो है वो क्रिया हो चाहे ना हो जीव में कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधों में तो ये भी नहीं होगा, चलन की क्रिया हो चाहे ना हो, लेकिन श्वसन बिल्कुल जरूरी है सभी जीवों के लिए। 63 में बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 देखिए रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी जो रक्षा करता है, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, या फल में? तो यहाँ पे देखिए 64 में बी इज राइट आंसर, पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं, कोई भी पत्ती जो होता है
है ना, पत्ती जो होता है इसमें देखेंगे छोटे छोटे रेशे होते हैं, इन रेशों को आप लोग क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं। ठीक है, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाया जाता है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। रिपीट कीजिए, जितना रिपीट करेंगे उतना याद होगा, ठीक है ना। चलिए सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक करेंगे, जो लोग भी अभी तक लाइक ना किए हैं लाइक करें मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। चलिए 65 देखेंगे, पौधों में वायवीय भागों में जल की निष्कर्षण क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन, निषेचन, वाष्पीकरण या परागण। तो देखिए वायवीय भागों में जल का जो निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब होता है निकलना, और जल निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। यहाँ 65 में ए इज राइट आंसर, बिल्कुल ऐसे ही है, इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 66, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण VVI स्टार लगा ले, परीक्षा में इसको तो पूछने वाला है। मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे तो देख रहे हैं है ना, आहार नल की लंबाई, ये दोनों तो ऑप्शन पहले कटता है, ये दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, एक में मीटर दिया है एक में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं मीटर इज राइट आंसर होता है। तो मनुष्य के आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, 66 में इज राइट आंसर। और 67 है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। तो जहाँ भी स्वपोषी पोषण पूछ देते हैं, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, इसलिए डी लगा लीजिए, इनमें से सभी। तो 67 में डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते 68 आपका सवाल कहता है कि पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, माइटोकांड्रिया, हरित लवक या केंद्र। तो देखिए पाइरुवेट का जो विखंडन होता है, टूटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह भी कहते हैं ना, कोशिकीय ऊर्जा गृह, पावर हाउस है ना, ऊर्जा गृह, पावर हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस बात को और याद रखिएगा, पावर हाउस है ना। मैं इसलिए बता देता हूँ कि इसमें सवाल भी पूछते रहते हैं। ओके, देखिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो यहाँ पे आपका देखिए जाइलम उत्तर जो है जल के वहन के लिए है, और ये भोजन का जो वहन होता है वो फ्लोएम उत्तक से होता है, इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे। ओके एवरीवन, याद रखिएगा, जाइलम की कोशिकाएँ जो होती है मृत होती है, जाइलम की जो कोशिकाएँ होती है क्या होती है, मृत होती है। आगे बढ़िए 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 70 आपका सवाल है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, अंगक लगाया है, प्रकाश संश्लेषी अंगक, हरितलौक, पत्ती, स्टोमाटा या जड़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए अंगक शब्द लग जाने से 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हो जाएगा, हरितलौक। अगर खाली अंग पूछ देता, अंग, तो अंग जो होता है पत्ती होता, लेकिन यहाँ पे क लगाया है, इसलिए आपका क्या होगा, हरितलौक। इंपॉर्टेंट समझिए है ना, इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा BPSC भी, ठीक है। 71 देखिए, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, भोजन अंतर्ग्रहण कैसे करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, कुटपाद। अब देखिए अमीबा का फिगर इस तरह से होता है, यहाँ पे जो देखिए आकृति बना है इस तरह से पकड़ने जैसा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी को हम कुटपाद कहते हैं, ठीक है, कुटपाद होता है। अब ये भोजन राजधानी क्या है, तो भोजन राजधानी में भोजन अमीबा का पचता है, इस बात को आप लिया, भोजन का पाचन होता है कहाँ पे, भोजन राजधानी में, ठीक है। और ये अमीबा में जो होता है जनन की क्रिया, उसका नाम है द्विखंडन, द्विखंडन से जनन की क्रिया होती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते 72, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या नहीं होता है, पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना और ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। तो देखिए क्या नहीं होता है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे मुक्त नहीं करते हैं, बी ऑप्शन, ये तो उपयोग करते हैं, लेते हैं, है ना। तो 72 में आपका 100% एक आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73, इनमें से किस छिद्र द्वारा ग्रास नली जुड़ा होता है, निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे हम आपको सटीक आंसर बताते हैं, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल 73 में निगल द्वार के द्वारा, निगल द्वार द्वारा ग्रसनी और ग्रस नली आपस में जुड़े होते हैं, ग्रसनी और ग्रस नली जो है निगल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। चलिए अगला देखिए, ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखिए ग्रहणी जो भाग है आपका छोटी आंत का, किसका है, छोटी आंत का। छोटी आंत के दो और भाग हैं जिसका नाम है जेजुनम, ठीक है, एक का नाम है जेजुनम और एक का नाम है इलियम। तो छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, याद रखिएगा, ठीक है। और भोजन का जो पाचन होता है, अंत, पाचन का अंत कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, इस बात को भी आप लोग संग्रह करेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 75 देखिए कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या सुक्रोज। कोशिका द्वारा, तो कोशिका का ऊर्जा गृह, देखिए याद रखिएगा, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा घर जो है वो आपको जो होता है ग्लूकोज को कहा जाता है, किसको कहा जाता है,
ग्लूकोज को, यही बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इसलिए सी इज राइट आंसर ग्लूकोज को। 75 में सी एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है, ग्लूकोज को कृषि की ऊर्जा गिरी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज हमने इस वीडियो में आपको साइंस के जानदार प्रश्न लाए थे जो कि आपके सीधे ही एग्जाम में टैली करेंगे। आई होप डैट कि ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा, शानदार, जानदार, धमाकेदार लगा होगा। तो सब लोग फटाफट एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, जितने भी आपके ग्रुप हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जो भी ग्रुप आप चलाते हैं उसमें शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का, धमाकेदार वीडियो का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एनसीईआरटी और सब कुछ का नोट्स और ये सब मिलता रहे। ठीक है ना दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम आप सबको तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। बीपीएससी इस बार फोड़ देना है, इस बार आप लोग को सिलेक्शन करवा देना है। ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सर को सपोर्ट करें, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं एक शानदार, धमाकेदार, जानदार और इसी तरह के मोटिवेट करते हुए अगले वीडियो में। आप लोग जुड़े रहिए, जो भी कुछ दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करके सर को बता सकते हैं, आपके कमेंट पर है ना जवाब दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है सब कुछ बताइए, सभी को शेयर कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।